Assalamu alaikum, dear viewers. I am Kaisar Sajjad, lecturer in English. Today, I'll discuss PPSC English Lectureship past papers. PPSC takes MCQs based paper of 100 marks. The MCQ papers were first introduced by PPSC in 2011. Before this, paper was essay type. In today's lecture, I will try to discuss the syllabus of past papers of 2011, 2015 and 2017. And in the end, I'll try to answer the following questions. Is it necessary to study past papers? Will they help us to get maximum marks? Let us start from the MCQ paper of 2011. But before discussing the division of marks or the division of syllabus of MCQ paper, ये बताना ज़रूरी है कि literature के अक्सर genres, poetry, drama और novel वगैरह history से interrelated है और बाज़ औक़ात ये एक दूसरे में fall करते हैं, लिहाजा मेरी इस division से मामूली सा इख्तलाफ हो सकता है। तो सबसे पहले 2011 के पेपर का सिलेबस और तकसीम देखते हैं। 2011 के पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज थी वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को दी गई, इसके 30 एमसीक्यूज थे। दूसरे नंबर पे पोइट्री, इसके 16 एमसीक्यूज थे। तीसरे नंबर पे ग्रामर 15 नंबर का था, जिसमें वोकैबुलरी, एंटोनिम और सिनोनिम वगैरह शामिल थे। चौथे नंबर पर ड्रामा, जिसके 10 एमसीक्यूज थे। नोवेल से भी 10 एमसीक्यूज लिए गए थे और लिटरेरी टर्म से भी 10 एमसीक्यूज लिए गए थे, जबकि प्रोज से 4 एमसीक्यूज और लिंग्विस्टिक्स से सिर्फ 3 एमसीक्यूज और क्रिटिसिज्म से 2 एमसीक्यूज लिए गए थे। ये टोटल 100 नंबर की डिवीजन कुछ इस तरह से थी। अब दूसरे नंबर पे आ जाए 2015 में। 2015 में कैसा पेपर आया था? अब 2015 में सबसे ज़्यादा वेटेज थी वो ग्रामर को मिली थी। ग्रामर के 25 एमसीक्यूज थे। इस ग्रामर में डेफिनेशन, वोकैबुलरी, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, एंटोनिम और सिनोनिम वगैरह शामिल थे। दूसरे नंबर पे लिंग्विस्टिक्स, जो कि 19 मार्क्स की थी, 19 एमसीक्यूज थे। तीसरे नंबर पे पोइट्री, जिसके 18 एमसीक्यूज थे। चौथे नंबर पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसके 15 एमसीक्यूज थे। पाँचवें नंबर पे ड्रामा, जिसमें से 8 एमसीक्यूज आए थे। छठे नंबर पे नोवेल, जिसमें से 3 एमसीक्यूज आए थे। सातवें नंबर पे क्रिटिसिज्म में से भी 3 एमसीक्यूज आए थे। आठवें नंबर पे पाकिस्तानी लिटरेचर, 2011 के पेपर में पाकिस्तानी लिटरेचर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2015 के पेपर में पाकिस्तानी लिटरेचर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आए। लिटरेरी टर्म सिर्फ 2 पूछी गई थी। इसी तरह इस पेपर में पोस्ट कॉलोनियल के बारे में भी पहली दफ़ा सवाल किए गए, जो कि 2 सवालात थे। प्रोज के बारे में सिर्फ 1 सवाल पूछा गया, जबकि नोबल लॉरेट भी पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ था इस पेपर में, पिछले पेपर में नहीं था, ये 1 नंबर का था। तो ये इसके टोटल 100 मार्क्स हो गए। अब डिस्कस करते हैं 2017 का पेपर। 2017 में सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज ड्रामा में से आए थे, जो कि 16 थे। उसके बाद नोवेल से 14 नंबर के, उसके बाद पोइट्री से 11 मार्क्स, 11 मार्क्स, उसके बाद लिंग्विस्टिक्स से 11 मार्क्स और नंबर 5 पे क्रिटिसिज्म 9 मार्क्स, ग्रामर 8 मार्क्स, लिटरेरी टर्म्स 6 मार्क्स की, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से 7 एमसीक्यूज आए थे, प्रोज से 3 एमसीक्यूज आए थे और इस पेपर में पहली दफ़ा जनरल एबिलिटी क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस कराए गए, जो इससे पहले वाले 2 पेपर में नहीं थे। उनकी डिवीजन कैसे थी? उसमें 3 नंबर के करंट अफेयर थे, 2 नंबर के पार्क स्टडी के क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से भी 2 नंबर के सवाल आए थे, मैथ से भी 2 नंबर के सवाल आए थे, उर्दू में से भी 2 नंबर के सवाल बने थे और जनरल साइंस से भी 2 एमसीक्यूज पूछे गए थे। वर्ल्ड नॉलेज से 1 एमसीक्यू आया था और इस पेपर में भी पिछले पेपर की तरह 1 क्वेश्चन नोबल लॉरेट पे मुश्तमिल था।
अब अगर सबका तीनों पेपर्स पर नज़र दौड़ाई जाए तो दो बातें क्लियर हैं, एक तो ये है कि सवाल रिपीट नहीं हो रहे और दूसरा कोई फिक्स रेशो नहीं है। अब पास पेपर्स के ट्रेंड को देखते हुए मदरजा ज़ेल टॉपिक्स जो HEC के करिकुलम में शामिल हैं ज़रूर किए जाएं। इनको आपने थारोली डिस्कस स्टडी करना है, पोइट्री, नॉवल, ड्रामा, फेमस लिटरी टर्म्स, ग्रामर, डेफिनेशंस प्लस वोकैबुलरी, लिंग्विस्टिक्स, प्रोज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्रिटिसिज्म एंड नोबल लॉरेट्स। आइंदा हम डिस्कस करेंगे कि इम्तिहानी नुक्ता निगाह से कौन सी बुक्स या कौन से वर्क्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कीप वॉचिंग एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और सजेशन प्लीज़ कॉमेंट बिलो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।